देखता हूँ मैं एक किस तरह का अंडा बना दूँ। हाफ फ्राई बना दूँ? नहीं लगता पानी वाला, कैसे लगेगा? दो जी पुत्र। मम्मा जी जी, अगर ये अंडा कम हो जाए ठीक है तो वो भी खा लेना। मतलब क्या कहते हैं, क्यों कम होगा? अगर वो भी जाए कम हो, क्या कहते हैं इसको, कड़ी खा लेना। मैं जल्दी आ जाऊंगा। चने देने सुबह गई थी लेकिन बहुत देर हो गई थी यार, नहीं मिले। सुबह उठी भी तो देर से हूँ ना। हाँ क्या बोलना है बोलो। दो रोटियां बन गई हैं, दो बनानी। मैं ना सुबह चने लेने गई थी लेकिन मुझे नहीं मिले चने, क्योंकि काफी देर हो गई थी। फिर अब तो कड़ी है लेकिन वो बहुत कम है, मतलब पूरी नहीं होने वाली बच्चों को। मैंने ये सोचा, मैंने कहा अच्छा अंडे बना देती हूँ, क्या करूँ, है तो गर्मी लेकिन फिर भी चलो। रात को देर से सोए थे तो इसी देर को आँख ही नहीं खुली मेरी, बहुत देर से खुली। चलो आ जाओ शेरू, पहले शेरू को दो, आ जाओ। वहां से बड़ी प्लेट फॉर्म फ्लो भी दूंगा आगे। बार भाई को पानी भर के दें, क्यों ले जाओ शेरू। बच्चों को नाश्ता मैंने दे दिया है, ये है मेरा नाश्ता। ये रोटी अली ने थोड़ी सी बचाई है, तो मैंने अपनी एक बनाई थी रोटी, थोड़ी सी अली ने बचाई है। तो मुझे भूख है तो मैंने कहा ये भी मैं खा लेती हूँ, और नाश्ता करके बाद ना ये मैं आके सारा किचन साफ़ करती हूँ। लगी है बहुत ज़ोर की भूख तो पहले कर लेती हूँ नाश्ता। तो जी यहाँ पे मैंने मशीन लगाई हुई थी, पहला चक्कर मैंने निकाल दिया था, उसके बाद मैंने जाके बच्चों को नाश्ता दिया था। अब ये मेरा दूसरा चक्कर यहाँ पे लगा हुआ है, और बच्चों की बनियाने मैंने यहाँ ही सुखाने के लिए डाल दी हुई हैं, और एक अपना सूट इधर डोरी पे डाल दिया है, क्योंकि ना अभी मुझे नहा के फ्रेश होकर कपड़े बदलने हैं इसीलिए। और ये कपड़े जो नीचे हैं ना ये निकाल के रखे हैं, ये जाके ऊपर थोड़ी देर बाद डाल आऊँगी, अभी तो रुक के। ये मैंने ना सारा किचन जो ऊपर से साफ़ किया है, मतलब ख़राब था, मट्टी लगी थी काफ़ी ज़्यादा, तो उसको सर्फ़ के साथ मैंने पोछा लगा दिया हुआ है। तो अभी जो है ना इसको मैं ये कपड़ा जो है साफ़ वाला खुश कपड़ा करके ये गीला करके इस तरीके से लगाऊंगी यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिया हुआ है। ये टोकरी मैंने साफ़ की है, सारा सामान यहाँ पे नीचे रख दिया हुआ है। और ये देखें ये मेरा वाईफाई का कनेक्शन, ये मेरी डिवाइस अली ने ऊपर से यहाँ से उतार दी हुई है। वो क्यों उतारी है, क्योंकि ना नहीं चल रही है। कितने दिनों से हमने उसको बिल भी दिया हुआ है, सब कुछ किया है, लेकिन ये नहीं चल रही है। ये देखे आए थे यहाँ से ये लोग खोल के ना, तो इसकी खोल के चले गए हैं, इसकी कैसिंग ऊपर से इसका बॉक्स था पूरा वो भी खोल के चले गए हैं जी। आ रहे हैं, पैसे भी लिए हैं मेरे, पैसे बर्बाद किए हैं लोगों ने, और ये सारी इसकी वायरिंग वगैरह। तो फिर ये फिजूल जो है ना ये चल रहा था, तो अली ने कहा कि अब ये ना फिजूल ही चल रहा है, तो आप ऐसा करते हैं, क्योंकि इसका स्विच लगा हुआ था तो बिल तो आएगा ना, क्योंकि चल तो नहीं रहा है, उसकी सिर्फ उल्टी सीधी लाइटें चल रही थी। तो फिर हमने इसको उतार के ना यूँ साइड में रखा हुआ है, देखते हैं इसका क्या करना है। मैं इसको यहाँ से बस कपड़ा मार के जो है ना साफ़ कर लेती हूँ अच्छी तरीके से, पूरा खाली कर दिया है। सा
साफ हो या नहीं हो पता ही नहीं चलता, इसकी इतनी कोई बुरी हालत हुई पड़ी है। लेकिन ऐसा है कि मट्टी वट्टी चिकनाहट वगनाहट तो सब कुछ ख़त्म हो ही जाती है ना, बस ये हाल है। आज ये ना मेरी बात सुनो, ज़्यादा छोटे बाल नहीं करवाना इसके अली। हाँ रोए ना, देखना ज़्यादा छोटे बाल नहीं हो। शेरू ठीक है ना? वाह हाँ, गिरे उसका हाथ आया था। चलो सही से कटवाना, नहीं ज़्यादा छोटे बाल नहीं है मेरा पुत्र। पकड़ भाई का हाथ पकड़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से आप लोग की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अली और शेरू जो गए हैं वो गए कटिंग करवाने के लिए, और मैंने आज कपड़ों की मशीन लगाई थी, नाश्ता वाश्ता हो गया, किचन मैंने साफ़ कर लिया हुआ है और झाड़ू भी मैंने दे दिया हुआ है। खाली पोछा में लगाना है और पोछा में लगाऊंगी बाद में। पहले मैं जो है ना अपने कपड़े चेयर पे रखे हुए हैं, कल के ही रखे हुए, मतलब रात के, तो वो जाके सब कुछ चेयर करके ना कबर्ड के अंदर रखूँगी। और आप लोग के कमेंट्स देख के मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि आप लोग इतने खुश हो, और ये सब कुछ आप लोग की वजह से है। आप लोग सब की वजह से जो है ना, आप लोग की दुआओं का नतीजा है, आप लोगों के प्यार का, आप लोग के सपोर्ट का, ये सब कुछ उस चीज़ का नतीजा है। तो मैं अकेले जो है ना वो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, आप लोगों की दुआएं जो है ना वो ही मुझे यहाँ तक ले आई हैं और वही इंशाल्लाह मेरे साथ आगे तक भी रहेंगी। तो ऐसे ही आप लोग अपनी दुआएं, अपना साया मेरे ऊपर कायम रखना हमेशा हमेशा। और मैं भी आप लोग के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह आप लोग अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो इंसान की खुशियाँ जो होती हैं ना, उन्हीं से इंसान की ज़िंदगी बढ़ जाती है। मुझे ये था मेरे बच्चों की हर चीज़, घर की जो ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं वो घर में होनी चाहिए। तो फिर बस मैं अपने इस जो है ना चीज़ में कामयाब हो गई। मेरे बच्चों के कबट नहीं था, वो तंग थे काफ़ी ज़्यादा कपड़ों से, तो फिर बस ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो गया है। बच्चों का रूम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बच्चों का ही रूम बोलूँगी, मेरे बच्चों का ही सब कुछ है, मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी। और ये भी कमेंट्स है कि आप घर कब ले रही हो, तो जी घर जो है ना, मैंने आपको लोगों को बताया भी था कि मैंने अब किराया जो इस महीने का मुझे देना था वो मैंने नहीं दिया है, मतलब मैं एडवांस में कटवा रही हूँ। तो एडवांस में कटवा रही हूँ तो मतलब सिर्फ मेरे पास एक महीना है, एक सवा महीना है, और उस एक सवा महीना के अंदर जो है ना मेरा घर भी चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। और बस आप लोग की दुआ चाहिए मुझे, और दुआएँ आप लोग के साथ रही तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक ना एक दिन मेरे बच्चों का अपना जाती उनका घर होगा। बस दुआएं जो होती हैं ना वो रंग लाती हैं इंशाल्लाह। तो मैं बस यही करती हूँ कि आप लोग मुझे ऐसे ही दुआएं देते रहो, दुआओं का असर बहुत होता है इंसान की ज़िंदगी पे ना, दुआएं असर बहुत जल्दी करती हैं। मुझे बस आप लोग की दुआएं चाहिए, मेरे बच्चों के लिए दुआ क्या करें आप लोग। तो जी बस कमेंट्स का मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने वाईफाई का भी इशू बता दिया हुआ है कि जो दिखा दिया हुआ है कि उसकी डिवाइस ही पूरी पूरी उतरी पड़ी हुई है। अली कहता है आप दफ़ा करो, उसको नहीं लगवाना मम्मा, हमने घर चेंज करना है, क्योंकि बंदा जवाब ही नहीं दे रहा हमें। तो फिर देखते हैं क्या होता है क्या होता है। फिलहाल तो जो यहाँ तक हुआ है ठीक है, और ना बच्चे दोनों कटिंग करवाने गए हैं, तब तक मैंने सोचा कि मैं कपड़ों की तह लगा के ना कबर्ड के अंदर रख लेती हूँ, और मुझे अच्छा लग रहा है अब तय करना करके रखना। और आगे सोच रही हूँ प्रेस करके कुछ कपड़े हैंगर में लगा दूँ बच्चों के स्कूल के। तो अब मुझे लग रहा है कि हाँ, मुझे घर के काम पे ले तो तक कपड़े उठाती थी सीधा टोकरी में फेंक देती थी, अब क्या तय करूँ टोकरी में से निकालने टोकरी में से उठाने, और वो जो टोकरी है उसमें क्या करूँगी। पहले भी मेरे उसमें मैंने कपड़े ही रखती होती थी, फिर उसको मैंने वॉश करके ये रखे थे, मतलब कि ना पहले मैंने क्या कहते हैं एक मेरे पास शुरू शुरू में मैं जब इस घर में आई थी, मतलब इस घर में नहीं जो पहले मेरा घर था वहाँ पे मैंने पता है बच्चों कपड़े कैसे रखे थे, वो जो कार्टन बॉक्स नहीं आते गत्ते वाले वो मैंने मंगवाए थे बड़े बड़े, मतलब मुझे मिला था एक ना एक मेरे घर में उसका था बड़ा बड़ा था पता नहीं किसी चीज़ का था वो, उसमें मैंने मेले कपड़े डाल के उसको अच्छी तरह मैंने पूरा टेप लगाया था ताकि वो पहले तो फट गया था, फिर उसको अच्छी तरह मैंने टेप लगाया था, टेप लगा के मैंने उसमें बच्चों के कपड़े रखे थे, फिर ना उसके ऊपर चादर दे देती थी वो, फिर गत्ता वो जो था झाड़ू वाड़ू खिसकाने में इधर उधर आगे पीछे करती थी वो पूरा फट गया था, ऐसा भी हुआ था पूरा फट गया था, वो गत्ते का था गत्ते का बॉक्स था उसमें रखे थे कपड़े, फिर स्कूल के दोनों के बैग पुराने हुए ख़राब हुए, इतने तो कपड़े नहीं हैं बस मुख्तसर से हैं। तो
आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा मेरे भी दुपट्टे ही ज़्यादातर चेंज होते हैं, कपड़े वही होते हैं रिपीट रिपीट रिपीट, क्योंकि जो है शुक्र अल्लाह का बस ठीक है। अच्छा ठीक है, तो वो फिर स्कूल के बैग खाली हुए थे, फिर स्कूल के बैग में मैंने कपड़े रखना शुरू किए थे, तो अब जो कहें ना अब ये कवर्ड है तो मैं इसमें रखूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहरहाल मेरी आप खुशी का अंदाज़ अभी नहीं लगा सकते हो या लगा भी सकते होंगे, क्योंकि देख के ही कुछ भी नहीं देखा है मेरे घर में आप लोगों ने, तो के रूम भी बहुत अच्छा लग रहा है। और बस सही है जी, अभी मैं चलती हूँ, जब तक वो दोनों आएंगे वो दोनों को नहलाऊंगी, उनको फ्रेश करूंगी, फिर जाना है बाहर खाना पकाना, सामान लेना है मैंने पकाने को। बच्चे कह रहे हैं आज हमें आलू गोश्त खाना है, लेकिन मैं कह रही हूँ आज हमें अरबी गोश्त खाना है। अब देखते हैं क्या बनता है, तो भी जो भी बना आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर नहीं शेयर कर सकी तो खाने की जो वीडियो होगी, जो क्लिप्स लूँगी खाना बनाने की कुछ भी है, वो कल की वीडियो में ऐड करूँगी, देखूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बस बने रहेगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग पे। तो जी यहाँ पे ये कटिंग करवा के आ गए हम, कुछ इंसान के बच्चे लग रहे थे, इतने बड़े बड़े इनके बाल लग रहे थे, इतने बड़े लग रहे थे इनके बाल के, मुझे खुद को उनको देख के ना गर्मी लगती थी कि ये लोग क्या लग रहे हैं। तो कटिंग के लिए फाइनली आज टाइम मिला, चलो जी कटिंग भी हो गई है। यहाँ पे जो है ना हम कपड़े थे मैं लगा रही थी और साथ साथ अपनी पुरानी बातें भी याद कर रही थी, तो ऐसे में बैठी हुई थी तो मैं दुआ कैसे बोली थी, दुआ हम कैसे जब शुरू शुरू में मैं तुम लोग को लेके अलग हुई थी तो कैसे मैं कपड़ों की गठरियाँ बना के दीवार के साथ लगाती थी, तो दुआ मुझे कहती मम्मा उस टाइम तो हमारे पास पानी भी ठंडा नहीं होता था, हम मटके में पानी भरते थे और आप उसी मटके के अंदर ना बर्फ़ डाल देती थी, और जब मैं कपड़ों की गठरियाँ बना के रखती थी ना तो वो दीवार से इतना कोई चूना गिरता था, इतना चूना गिरता था कि वो चूना पूरा जो है ना वो कपड़ों के अंदर जा रहा होता था, मतलब के इतना चूना लगता था कपड़ों के अंदर के वो पूरा जो है ना कपड़ों के अंदर चूना जा रहा होता था, और एक एक गठरी खोल के एक एक चीज़ निकालना बड़ा ही अजीब था। उसके बाद मैंने सेकंड जो स्टेप था वो कार्टन लेकर आई, बॉक्स जैसे आपको मैंने बताया है उसमें कपड़े डालने रखे, वो भी फट फूट जाता था, फिर ऐसे करके चलो जी शुक्र अल्लाह का बस वो ऐसी बातें याद करी थी, मुझे कोई यूँ नहीं है, बुरा वक्त देख के ही अच्छा वक्त आता है। तो मेरे बच्चों से सब कुछ छीना गया, लेकिन मैं जो है ना सब कुछ इंशाल्लाह इनको बना के दूँगी, ये मेरा भी वादा रहा अपने बच्चों से कि मैं सब कुछ बना के दूंगी इनको इंशाल्लाह अगर मेरी ज़िंदगी रही तो। और बस अल्लाह मेरे बच्चों को जो है ना अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और नेक हो, पढ़ाई में कामयाब हो, ऐसे ही आपके बच्चे भी नेक हो पढ़ाई में कामयाब हो, अल्लाह उनको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, चीज़ों का क्या है आज है कल नहीं है। तो बाकी जो है ना होता ही है कि हमें एक भरे हुए घर से निकाला गया था, तो आज जो है ना अपना खैर जो भी है बस यही है आप लोग के सामने, कोई आप लोगों के सामने छुपी हुई चीज़ नहीं है। तो बस मैं वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी, दुआओं में मुझे याद रखना और ऐसे ही मेरी वीडियो वॉच करते रहें। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट्स देख के, इतनी ज़्यादा आप लोग खुश हुए हो मेरे कल वाली वीडियो पे, और मुझे खुशी हुई है आप लोगों को देख के, अपने हो तो खुश हुए हो, और मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे आप जैसी ऑडियंस मिली है, आप से मुझे इतना प्यार मिला है, मुझे अच्छा लगा। तो जी बस जो है ना मैं वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, दुआ में मुझे याद रखिएगा, और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। बाकी अल्लाह आप लोग को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आपके बच्चों को हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, नेक हों सेहत तंदुरुस्ती वाले हों, आपके घरों में रोज़ी रिज़्क़ की बरकत हो, और जो भी आप लोग के दिल में दुआएँ हैं वो अल्लाह पूरी करें, आमीन सुम आमीन। तो जी वीडियो का बस दोबारा से कह रही हूँ यहीं एंड करूँगी, अल्लाह हाफिज़।